महिला बाल विकास विभाग एवं यूनिसेफ मध्य प्रदेश द्वारा किशोरावस्था सशक्तिकरण के संबंध में एक बड़ी कार्य योजना बनाने के लिए गुरुवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन इंदौर जिला पंचायत सभागृह में किया गया। आयोजन में जिले भर की महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, कौशल उन्नयन, जिला पंचायत, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अलावा अन्य शासकीय विभागों के अधिकारीगण उपस्थित हुए। कार्यक्रम में किशोर बालक और बालिकाओं के लिए संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। वहीं यूनिसेफ के राज्य प्रतिनिधि लाली जैन द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए अन्य बातों पर भी प्रकाश डाला गया। इसके अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। उद्देश्य यही है कि किशोर अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था है एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज विद विच एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज डेवलप करना है, लेकिन हमारे स्टेट में बहुत एडोलेसेंट को वो मिस कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और यूनिसेफ मिलकर यही उद्देश्य है कि हम स्टेट लेवल पर एक एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्लान बनाएंगे। इस प्लान में हम अलग अलग स्कीम्स और फ्लैगशिप्स को जोड़ के उसमें जो प्लान है, उसमें जो बजट्स हैं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं और एडोलेसेंट लोगों का एम्पावरमेंट करने के लिए क्या क्या करना है, वो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी आए हैं, उनके साथ चर्चा करके एक प्लान बनाएंगे। ऐसे एक कंसल्टेशन हम इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में और जबलपुर में ऑर्गेनाइज करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट से ऑफिसर्स आएंगे, उनका इनपुट्स लेंगे, क्योंकि एडोलेसेंट का इश्यूज एड्रेस करने के लिए सभी डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक रोल है। जो DWCD है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सभी को स्पेसिफिक रोल है, उनका प्रोटेक्शन का हो, उनका डेवलपमेंट का हो, इसलिए ये प्लान एक कंसल्टेशन का। कार्यक्रम में श्रीमती मंजुला तिवारी, BPS राठौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी KC पांडे सहित अन्य अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित थे।